4 अप्रैल साल 1889 में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ। ये भारत के लोकप्रिय कवि, लेखक और पत्रकार थे। सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाएं इनकी रचनाओं की विशेषता रही। प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्रचार कर नई पीढ़ी से गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का आह्वान भी किया। इन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल भी गए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति प्रेम का काफी सुंदर तरीके से चित्रण हुआ है। इनकी काव्य कृतियों में हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी और युग चरण है, तो वहीं इनके गद्य कृतियों में कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता और समय के पांव प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना होने पर हिंदी साहित्य के लिए प्रथम पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए प्रदान किया गया। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना कर इनके योगदान को इंगित किया गया। साल 1963 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया।